जोहार झारखंड, मैं हूं सुरेश सर और आज आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के एग्जाम के बारे में। तो एक बहुत ही बड़े गुड न्यूज है साथियों, झारखंड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा होगी 25 मार्च से। मैं ये फिक्स नहीं कर रहा हूं, बट ये बात सामने आई है कि 25 मार्च से झारखंड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा की संभावित तिथि है। आगे मैं आपको बताता हूं कि हमारे जेट अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की और मुलाकात में ये बात सामने आई कि 25 मार्च से आप लोगों की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा ली जा सकती है। आपको बताते चलें कि जेक अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण जेक बोर्ड का एग्जाम का डेट नहीं बैठ पा रहा था, तो जेक बोर्ड का अध्यक्ष चुना जा चुके हैं डॉक्टर अनिल महतो, पद आसीन हो चुके हैं, इसलिए झारखंड बोर्ड का एग्जाम होगा, दसवीं और बारहवीं की परीक्षा होगी, 25 मार्च से होगी। बहुत दिन से स्कूल बंद पड़े थे, स्कूल खुल चुके हैं और आप लोगों की जो एग्जाम होगी। और एक बात सामने आई है, जो बीच में एक बात सामने आई थी कि परीक्षा जो होगी वो होम सेंटर पे होगी, तो अनिल कुमार महतो, श्री डॉक्टर अनिल कुमार महतो जी ने इसे टाल दिया है और परीक्षा जो होगी इस बार होम सेंटर ना होकर पूर्व की भांति जिस प्रकार अलग अलग जिले निर्धारित किए जाते थे, झारखंड में जैसे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जो भी आपके, तो अलग अलग जिलों में पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही परीक्षा ली जाएगी। तो होम सेंटर के ख्वाब में आप लोग ना रहे, पूर्व की भांति ही निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी, 25 मार्च से ली जाएगी, होम सेंटर में आप लोगों का परीक्षा नहीं होगा। और एक विशेष बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो यह है साथियों कि पहले आपको बताया गया था कि टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा होगी, दोनों को मिलाकर आपको मार्कशीट दिया जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण झारखंड में अब तक एक भी एग्जाम नहीं है, वहीं पर सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में एक एक परीक्षा हो चुकी है। इस कारण हमारी सरकार मजबूर है एक नए डिसीजन के लिए और सरकार का फैसला है कि इस बार जो एग्जाम होगी वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे मिला के होगी। आपके ऑब्जेक्टिव अनुमान है 50% पूछे जाएंगे और आपके जो सब्जेक्टिव है वो 50% पूछे जाएंगे, मतलब एग्जाम आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक पेपर का 80 नंबर का होगा, तो 50% में 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव को पूछे जाने की संभावना है और 40 नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना। 40 नंबर के सब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन क्या आएंगे, एक नंबर या ये आपके एमसीक्यू रहेंगे, एमसीक्यू ना कहें इसे आप वन लाइनर कर सकते हैं, जैसे एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया साइंस से, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको बस एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, ये जस्ट आपको कर देना है। ओके, आपको जस्ट इस तरह का एक नंबर या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। दो नंबर या क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बल की परिभाषा दे, तो आपको इसमें दो से तीन लाइन पूछा जाएगा, ये आपका दो नंबर या टाइप क्वेश्चन रहेगा। तीन नंबर या टाइप क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं फिर से दे देता हूं, बल की परिभाषा दे, ओके, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त करें, ये आपका तीन नंबर या टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आप शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं और पहले की भांति जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार नंबर या पांच नंबर, तो आपका मार्क्स जो डिवीजन होगा वो एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर या चार पांच, चार या पांच नंबर या इस तरह होगा। अगर मैं एक स्पेशल बिंदु पर चर्चा करता हूँ वो ये है, आज मैं आपको हर चीज बता देता हूँ झारखंड बोर्ड अपडेट को लेकर, जो कुछ भी आपके इस बार 10 और 12 में जो कुछ भी आपके इस बार होंगे मैं सारा चीज आपको बता दे रहा हूँ, और अब तक जितना बिंदुओं को बताया सारा सही बताया। और अगेन मैं एक बिंदु बताता हूँ, अब जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा बदलाव होगा,
वो शिक्षा मंत्रालय का कहना ये है कि अब जो आपका एग्जाम होगा वो डेढ़ डेढ़ घंटे के शिफ्ट में होगा। डेढ़ घंटा आपका पहला चरण का एग्जाम होगा। मतलब आई थिंक मेरे विचार से जहां तक मैं समझता हूँ, जो पहला डेढ़ घंटा होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और उसके बाद जो आपका डेढ़ घंटा का जो शिफ्ट चेंज होगा उसमें आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो ये थे आज के कुछ स्पेशल न्यूज झारखंड के 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो मैं आप लोगों की समझ रखा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल YouTube चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर बाय सुदर्शन इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे अपने साथियों के बीच शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो से रिलेटेड, हमारे ज्ञान से रिलेटेड, हमारे नॉलेज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे या खराब लगे आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मुझमें क्या कमी रह गई है, मुझे और क्या सुधार करना होगा। इसी तरह का अच्छे अच्छे और वीडियो पाने के लिए, अच्छे अच्छे ज्ञान को पाने के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर पे जुड़े रहिए। आज की सेवा यहीं तक, आज का वीडियो यहीं पर लास्ट होता है। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते फिर से एक बार जय झारखंड जोहार झारखंड।